हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज सैमसंग गैलेक्सी M02 के अंदर हम कैसे अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस गाइस, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर गाइस आपको वीडियो बिल्कुल भी हेल्प करती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो इस वीडियो को किसी के साथ आप शेयर जरूर से कर दें। ओके, तो गाइस, जैसे कि हमारे ये जो ऐप्स हैं, यहाँ पे हमारा यूट्यूब हो गया, इन सबको अगर आप हाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ हम इनको कैसे यूज़ करेंगे उस बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आपकी जो होम स्क्रीन रहेगी उसके साथ आपको टू फिंगर्स के साथ कुछ इस प्रकार से पिंच आउट करना है। जैसे ही आप पिंच आउट करते हैं तो यहाँ पर आपकी होम सेटिंग्स खुल जाती हैं, वॉलपेपर विजेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम जाना है हमको होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर, कॉर्नर में आप देख पा रहे हो यहाँ पर नीचे की तरफ, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं, बट हमको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हाइड ऐप्स का, तो सिंपली हमको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने अब जो एप्लीकेशन है वो शो हो रहे हैं कि हम किन किन एप्लीकेशन को हाइड करना चाहें। तो अमेज़ॉन को हम यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं हाइड करने के लिए। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम चूज़ करेंगे यूट्यूब को, तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब को भी हाइड करने पर सिलेक्ट कर लिया है। और एक एप्लीकेशन अगर यहाँ पे हम कोई और चूज़ करें, ओके, फेसबुक को हम चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से इसको हम डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद गाइज़ हमारे जो ऐप्स हैं आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो वो अब यहाँ पे आपके हाइड हो चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ऐप्स था हमारा यूट्यूब, वो यहाँ पर यूट्यूब हमको देखने को नहीं मिलता, और हमको यहाँ कहीं फेसबुक भी देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे अमेज़ॉन वगैरह भी, ये भी सब हमको देखने को नहीं मिलता। तो इनको हम कैसे यूज़ करेंगे पहले तो उस बारे में हम आपको बता देते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आपको इनको अनहाइड करना है तो वो देखना है, और कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेना है। तो आपको वापस से पिंच आउट करना है टू फिंगर के साथ, होम स्क्रीन सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने हाइड ऐप्स वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आप ईजिली इसको यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं मिनिमाइज़ करके। यहाँ पर जो माइनस वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे, ये अनहाइड हो जाता है इस प्रकार से। ओके, और वापस से प्लस करना है, यहाँ पर आप क्लिक करें और ये यहाँ पर वापस से इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है इनको यूज़ करने की, तो वो क्या करना है आपको, यहाँ पर सर्च करना है। ओके, तो यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं, हमको चाहिए यूट्यूब चाहिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ईजिली, यहाँ से आपको यूट्यूब आपका देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको यूट्यूब पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी तरीका है, आपको बोल सकते हैं इनको यूज़ करने का। एक सिक्योरिटी जो आपकी नॉर्मल सी देखने को मिलती है, बट इतना हाई सिक्योरिटी नहीं है। एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हैं बट नाम मात्र के लिए। बट जो सेटिंग्स थी मैंने आपको बता दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर से रही होगी। आई होप कि आप अपने फ़ोन के अंदर हाइड ऐप्स करना सीख चुके होंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और नीचे कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में।